हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लोअर कास्ट या कास्ट मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो निचली जातियाँ थी उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स किए अंग्रेजों के खिलाफ और उन्होंने किन किन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की। तो देखिए, यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हमें बताया गया कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, किस ईयर में बनाई गई, किस प्लेस में बनाई गई और उनके फाउंडर कौन थे। तो देखिए, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको लूसेंट की सभी टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टेबल से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर क्या दिए गए हैं, मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले क्या है, सत्यशोधक समाज। क्या है सत्यशोधक समाज, ये किस ईयर में फाउंड किया गया, 1873 में। कब, 1873 में, 1873 में। प्लेस किस स्थान पर, महाराष्ट्र में। और इसके फाउंडर कौन थे, ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन माने जाते हैं, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट आता है अरावीपुरम मूवमेंट। अरावीपुरम मूवमेंट कब हुआ, 1888 में, 1888 में। किस स्थान पर हुआ था ये, अरावीपुरम केरला में। ये अरावीपुरम कहाँ पर है, केरला में है। और इसके फाउंडर कौन थे, श्री नारायण गुरु। तो अरावीपुरम मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट आता है श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, इसको SNDP भी बोलते हैं। तो SNDP मूवमेंट ये किस ईयर में हुआ, 1902 से लेकर 03, 1902 से 1903 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ था ये, केरला में। और इसके फाउंडर कौन थे, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पल्पू एंड कुमारन असन। तो कौन थे इसके फाउंडर SNDP मूवमेंट के, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पल्पू एंड कुमारन असन। नेक्स्ट आते हैं द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ये कब बनाई गई, 1906 में। ये कहाँ पर फाउंड की गई, बॉम्बे में। कहाँ पर, बॉम्बे में। और इसके फाउंडर कौन थे, V.R. शिंदे। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, V.R. शिंदे। नेक्स्ट आता है बहुजन समाज। बहुजन समाज ये कब बनाया गया, 1910 में। और ये कहाँ पर, सतारा महाराष्ट्र में बनाया गया। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, मुकुंदराव पाटिल। तो बहुजन समाज के फाउंडर कौन थे, मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट आता है जस्टिस पार्टी मूवमेंट। जस्टिस पार्टी मूवमेंट ये कब हुआ, 1915 से 16 में। कहाँ पर हुआ, मद्रास तमिलनाडु में। और इसके फाउंडर कौन थे, C.N. मुदालियर, T.M. नायर एंड P. त्यागराज चेट्टी। तो कौन थे, C.M. मुदालियर, T.M. नायर एंड P. त्यागराज चेट्टी। नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, इसको बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बोलते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये कहाँ, कब हुई, 1924 में। कहाँ पर, बॉम्बे में। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, B.R. अंबेडकर। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, इसके फाउंडर कौन थे, B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कब हुआ, 1925 में, 1925 में। कहाँ पर, मद्रास तमिलनाडु में। और इसके फाउंडर कौन थे, E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार। E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार। नेक्स्ट आता है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ ये कब बनाया गया, 1932 में। कहाँ पर, पुणे में। और इसके फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी। तो हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी। तो देखिए, ये हमारे कुछ लोअर कास्ट या कास्ट मूवमेंट्स थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे, ज्योतिबा फुले। अरावीपुरम मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, SNDP मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पल्पू एंड कुमारन असन। नेक्स्ट है द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, V.R. शिंदे। कौन थे, V.R. शिंदे। नेक्स्ट बहुजन समाज। बहुजन समाज के कौन थे फाउंडर, मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट आता है जस्टिस पार्टी मूवमेंट, इसके फाउंडर कौन थे, C.N. मुदालियर, T.M. नायर एंड P. त्यागराज चेट्टी। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, इसको बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बोलते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कौन थे फाउंडर, E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार। नेक्स्ट हरिजन सेवक संघ, इसके फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी। तो इसके फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी। तो देखिए, इसके साथ ही हमारे जो ये लोअर कास्ट या कास्ट मूवमेंट थे ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रीडम स्ट्रगल।
जो हमने स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल किया था उसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।